प्रदेश में वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस भीतरघात को रोककर मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। नामांकन से पहले माना जा रहा था कि पार्टी में टिकटों को लेकर जिस तरह से तलवारें खींची थी उससे लग रहा था कि प्रत्याशियों को पार्टी के बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकटों को लेकर बनी किसी भी तरह की नाराज़गी को नामांकन तक ही खत्म कर दिया। वल्लभ नगर में 2018 के चुनाव में गजेंद्र सिंह सत्तावत चुनाव जीते थे। कोरोना काल में उनके निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में पार्टी की परेशानी थी कि उनके परिवार से ही 4 दावेदार मैदान में ताल ठोकने लग गए। पार्टी ने मंथन के बाद गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति कंवर सत्तावत को उम्मीदवार बनाया। यहां पर गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह पार्टी के टिकट की दौड़ में थे और ऐलान कर चुके थे कि प्रीति कंवर को टिकट दिया गया तो वे बगावत करके चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र सिंह के भांजे राज सिंह झाला तथा अन्य रिश्तेदार कुबेर सिंह ने भी दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस टिकट के लिए मेवल क्षेत्र से भीम सिंह चुनावत की मजबूत दावेदारी थी और माना जा रहा था कि प्रीति कंवर के खिलाफ कोई एक संयुक्त रूप से बगावत करके खड़ा होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारे दावेदार एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। धरियावद विधानसभा उपचुनाव में भी टिकट को लेकर बड़ी चुनौती थी। पूर्व विधायक नगराज मीणा के खिलाफ सभी दावेदार एकजुट हो गए, लेकिन पार्टी ने नगराज मीणा की दावेदारी को बेहतर मानते हुए उन्हें टिकट दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रूपलाल और नाथूलाल ने बगावती तेवर दिखाते हुए पर्चा भी भर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से बातचीत करके विरोध को खत्म करवाया और नगराज के पक्ष में उन्हें प्रचार से जोड़ा। माना जा रहा है कि दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस में जिस तरह की एकता दिख रही है वैसी 2018 के चुनाव में भी नहीं थी। इसका पार्टी को सीधा सीधा फायदा मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।